तो दोस्तों कई बार आपने सोलर चार्ज कंट्रोलर में एक बार नोटिस किया होंगे कि यहाँ पे बैटरी जो है वो बैटरी ब्लिंक कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो बैटरी है वो बैटरी का चार्ज खत्म होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज शो कर रहा है 11.6 वोल्टेज, यहाँ पे बैटरी का शो कर रहा है। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जितने भी वीडियो बनाए हमने जब भी चार्ज की बात कहता हूँ तब भी आप लोगों को हम बताते हैं कि जो बैटरी है दिन में अगर धूप ज़्यादा हो तब ही सोलर पैनल से बैटरी जल्दी जल्दी चार्ज होगा। 200 वाट का सोलर पैनल जो है हम यूज़ कर रहे हैं 100 AH बैटरी के साथ। तो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को बता दूँ 200 और एक 200 जो है सोलर पैनल अगर हम लगाएंगे तो बैटरी फिर जल्दी से चार्ज होगा। यहाँ पे चार्जिंग टाइम अगर मैं आप लोगों को बता दूँ 22 आवर्स लग रहे हैं बैटरी को चार्ज करने में। एक दिन में अगर 10 आवर्स हम पकड़ ले तो 10 आवर्स में कितना चार्ज होगा, 50% चार्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लोड के हिसाब से हम चार्ज भी कर रहे हैं, लोड भी दे रहे हैं, फैन लाइट वगैरह चला रहे हैं तब जाके। फिर अगले दिन अगर 12 आवर्स हम चार्ज करेंगे तो बैटरी क्या होगा, 22 आवर्स में फुल चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा हमने अभी जो है नोटिस किया है, तो हमने जो नोटिस किया है वही आप लोगों को बता रहे हैं। फिलहाल तो ये है, आप लोग देख पा रहे हो डिस्प्ले में, सोलर चार्ज कंट्रोलर के डिस्प्ले में बैटरी का जो पावर है कितना है और ये जो इसको जो है चार्ज सही है ये अभी हमको बता रहा है। ठीक है दोस्तों, सोलर पैनल रिलेटेड एक डिटेल वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जब भी आप लोगों को जरूरत पड़े आप लोग जा करके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।